हेलो एवरीवन, आज हम एमटीएस 2020 के एग्जाम में जो कि अक्टूबर नवंबर 2021 में हुआ था उसमें एवरेज चैप्टर से बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 2% 5 years अगो वाज 7.5 years, फाइंड द एवरेज एज आफ्टर 5 years। 5 वर्ष पहले दो व्यक्तियों की औसत आयु 7.5 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु ज्ञात करें। एमटीएस 27 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूं। पहले आप मुझे ये बताइए, कोई तीन व्यक्ति हैं और उनकी एज है, एक की है मान लो 12 साल का है, एक 14 का है और एक 16 का है, तो इनकी एवरेज क्या होगी? तो एवरेज कहेंगे जी ये 14 होगी, है ना, सबको जोड़ के 3 से भाग करेंगे। अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 12 वाला 16 का, 14 वाला 18 का, 16 वाला 20 का। तो अब एवरेज एज कितनी होगी? आप कहेंगे एवरेज अभी 18 साल है, क्योंकि 18 प्लस 16 प्लस 20 को 3 से भाग देंगे तो 18 है। यानी हमने क्या देखा कि भी 4 साल बाद देखा तो एवरेज भी 4 बढ़ गई, क्योंकि ये सभी 4-4 बढ़े हैं। तो अभी सवाल पर देखिए, 5 साल पहले दो व्यक्तियों की औसत आयु 7.5 वर्ष थी, 7.5 वर्ष थी 5 साल पहले, और 5 साल बाद कितनी होगी? भाई कितने साल हो जाएंगे तब तक? 5 साल तो पहले वाले और 5 साल बाद वाले, यानी 10 साल, तो एवरेज भी 10 इंक्रीज हो जाएगी। 7.5 प्लस 10 17.5। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 60 kg, व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट बिकम्स 64 kg। If the average weight of 5 of the new students is 72 kg, then what is the average weight in kg of the remaining 5 students? किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल होते हैं तो औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है तो शेष 5 छात्रों का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात करें। MTS 14 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूं। देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया? 40 छात्रों का दिया है 60, मैं यहां लिख लेता हूं 40 छात्र का कितना? 60। जब कक्षा में 10 नए छात्र आ गए तो अभी छात्र कितने हो जाएंगे? 40 पहले थे, 10 नए आ गए, आप कहेंगे जी 50 हो जाएंगे, 50। तो औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है, औसत कितना हो गया? 64। तो इन सवालों को निकालने के लिए आप यहां से डिफरेंस देखिए, यहां कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे जी 4 का है, यानी +4। यहां कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे जी +10, है ना। तो अभी जो हम वैल्यू निकालेंगे वो इन 10 की आएगी, 10 की वैल्यू आएगी, यहां पर 10 है, 2 है, 1 है, 4 है, जो भी है उसकी वैल्यू आएगी। अभी क्या करेंगे हम, इस 10 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 इंटू 64 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 640 हो गया प्लस का, और इसका इसके साथ में करना है तो 40 इंटू 4, 4 चौके 16 160 प्लस के, प्लस 160, ये कितना हो गया? 600 और एक 700, 800, 800 हो गया। ये 800 इन 10 बच्चों की वेट है टोटल, वो आया है, याद रखिए इनका आएगा 10 का, तो इन 10 का टोटल 800 किलो वजन है। अभी इसने क्या बताया? भाई 5 नए छात्रों का 72 किलोग्राम है, भाई सभी 10 का तो हमें मालूम लग गया 10 का 800 किलोग्राम है, तो 5 नए छात्रों का 72 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 72, 5 का, सो 5 7 35, 350, 5 2 10, यानी 360, 360 तो इन्हीं का होगा। अभी बचा कितना? 800 में से 360 गए, 400 घटा दो, 400 गए 40 ऊपर, यानी 440, बाकी बचे हुए का टोटल वेट 440 है। आपको एवरेज निकालनी है, 440 को आप 5 से भाग दे दोगे, और जब भी 5 से भाग देते हो आप ये काम कर लिया करो, इसको डबल कर दो और एक जीरो लगा दो। डबल यूं करें क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 10 बन जाता है, ऊपर वाले को डबल करो, 440 का डबल 880, और एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे 5 2 10 आ रहा है तो एक छोड़ के पॉइंट जाएगा, यानी 88 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 6% इंक्रीज बाई 2.5 kg,
when a new person comes in place of a person having 55 kg weight, what may be the weight in kg of new person? भाई छह व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 55 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें किलोग्राम में। MTS 12 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूं। भाई छह व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? छह का औसत वजन बढ़ जाता है 2.5 kg बढ़ गया छह का, टोटल कितना बढ़ जाएगा? हरे का 2.5 यानी 6 गुना 2.5, 6 का डबल 12 और एक बार 6 का आधा 3, 12 और 3 15। आप कहेंगे जी टोटल 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा, टोटल 15 किलोग्राम बढ़ा है। 55 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। भाई वजन बढ़ा है 15 किलोग्राम तो नया आया है वो ज्यादा वजन वाला आया है, और कितना ज्यादा? जो भी गया है उससे 15 ज्यादा का आया है। तो 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर आया है तो 55 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 70 kg। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 70 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 19, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 14, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज। 9 संख्याओं का औसत 19 है, यदि पहले 4 संख्याओं का औसत 14 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। MTS 11 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूं। भाई 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 19। 9 का औसत दिया है 19, 19। इसके बाद में बोले यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 है, पहले वाली 4 का कितना है? 14, तो कितना कम है इससे? तो 19 में से 14 गए यानी 5 कम है, 5 कम है एवरेज में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 5 यानी कुल मिलाकर 20 कम हुआ। ये जो 20 कम है, जो बाकी वाले 5 बच गए है ना, उनका 20 ज्यादा होगा। 5 अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो उनका 20 ज्यादा होगा, 5 का, तो 5 का 20 ज्यादा होगा तो एक एक हिस्से में कितने आएंगे? 5 चौका 20 यानी 4, यानी औसत 4 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी औसत? 19, तो 19 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 23, 23। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं तो आप यह कर सकते थे, छोटी संख्याएं हैं भाई, 9 × 19 नौ नंबर हैं और 19 उनका एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 × 171। बाकी 4 संख्याओं का औसत 14 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 × 56। सो 56 ये इसमें से माइनस कर देंगे, सो ये बच जाएगा 171 में से 56 गए, 14 × 15 115 बच गया बाकी 5 संख्याओं का टोटल, तो एवरेज कितना पड़ेगा? 115 बटे 5। और वही अगर बटे 5 है तो आपको ऊपर वाली का डबल करके एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 115 का डबल 230, एक छोड़ के पॉइंट यानी 23, वही 23 ऐसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स वाज 38 years। वन मोर मैन ज्वाइंस द ग्रुप एंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स बिकम्स 44 years। व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द न्यू मेंबर? 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। MTS 8 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ओके छोटा कर लेता हूं। भाई 4 साल पहले की बात कर रहा है, 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 थी, 5 सदस्यों वालों की कितनी थी औसत? 38, और ये कब थी? 4 साल पहले। आज कितनी होगी? भैया 4 और बढ़ जाएंगे इसमें 38 में, यानी आज के दिन उन 5 की है 38 + 4 = 42 years। आज के दिन 5 की एवरेज 42 है। एक और आदमी समूह में शामिल हो गया, अभी 5 से कितने बन गए? 6 बन गए, और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष हो जाती, वर्तमान कितनी होगी? 44। नए सदस्य क्या बताइए, यहां से कितना अंतर है? आप कहेंगे जी +2, 2 बड़ी है, यहां 1 बड़ा है +1, यानी ये +1 जो बड़ा हुआ है उसकी आ जाएगी डायरेक्टली। तो क्या बताया था आपको?
इसकी गुणा किससे होगी? इससे। और इसकी गुणा किससे होगी? इससे। 44 इंटू 1 44 वन जा 44 प्लस का यहां से 5 टू जा 10 प्लस 10 44 प्लस 10 कितना हो गया? 54। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 54 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, 5 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, जल्दी फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।